हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सॉल्यूशन पॉइंट में। आज की वीडियो में हम साइंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नए वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल नेवर ड्रिंक्स वाटर इन इट्स एंटायर लाइफ। कौन सा ऐसा एनिमल है जो अपने पूरे जीवन काल में पानी नहीं पीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कंगारू रैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फिजिकल फेज ऑफ लाइफ कॉल्ड? लाइफ की फिजिकल फेज क्या है? तो ये है प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सेल इज, सबसे बड़ी सेल होती है? तो सबसे बड़ी सेल होती है ऑस्ट्रिच के एग की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल? सबसे बड़ी ह्यूमन सेल कौन सी होती है? तो ये होती है ओवम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल? इनमें से कौन सी है जो लॉन्गेस्ट सेल होती है? तो ये होती है नर्व सेल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेल इन द बॉडी दैट इनगल्फ फॉरेन पार्टिकल लाइक बैक्टीरिया? बॉडी में कौन सी ऐसी सेल होती है जो बैक्टीरिया जैसे सब्सटेंसेस को खा लेती है? तो ये होती है फैगोसाइट्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर नंबर ऑफ मसल इन ह्यूमन? ह्यूमन में कितनी मसल्स होती हैं? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 639। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ WBC? WBC का लाइफ स्पैन क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 to 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द वर्टिब्रेट दैट हैज़ 2 chambered हार्ट? कौन सा ऐसा वर्टिब्रेट है जिसका हार्ट 2 chambered होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ रिब्स कितने होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड? कौन सी सबसे छोटी फ्लाइटलेस बर्ड होती है, मतलब जो उड़ नहीं सकती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ? सोरोलॉजी किसकी स्टडी होती है? तो ये स्टडी होती है लिजार्ड्स की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय? हॉर्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मास्टर ग्लैंड? इनमें से कौन सी है जो मास्टर ग्लैंड कही जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADH? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एंटी डायोरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड शुगर इन बॉडी? बॉडी में ब्लड शुगर की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 80 to 120 mg, 100 ml ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी? बॉडी में कौन सी लार्जेस्ट ब्लड वेसल होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एओर्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड? इनमें से कौन इम्प्योर ब्लड ले जाता है? तो ये ले जाता है पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन ए। हु हैड परफॉर्म्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट? वर्ल्ड का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया? तो ये किया है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन? इनमें से कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? तो आंसर होगा H2SO4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पीरियड्स इन विच पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 7। 7 पीरियड में पीरियोडिक टेबल डिवाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है? तो
तो इसमें टोटल ग्रुप है 18, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नोबल गैसेज, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि नोबल गैस नहीं है? तो आंसर है इसका हाइड्रोजन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स फाउंड इन ऑफ कार्बन 12, तो इसमें जो मोल होंगे वो होंगे 12 ग्राम्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, इनमें से कौन सा है जो मिक्सचर नहीं है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलॉयज आर एलॉयज होते हैं, तो एलॉयज होते हैं हार्डर देन द प्योर मेटल, प्योर मेटल से हार्ड होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, उस प्रोसेस का क्या नाम है जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होती है? तो उसे कहते हैं रिडक्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्टिंग इज एन रिएक्शन, रस्टिंग किस तरह की रिएक्शन है? तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नीडेड फॉर रस्टिंग टू अकर, रस्टिंग के लिए क्या ज़रूरी होता है? तो रस्टिंग के लिए वाटर एंड ऑक्सीजन ज़रूरी होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल एसिड्स आर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑल एसिड्स आर कोरोसिव व्हेन दे आर स्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल कार्बोनेट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर, जब एक एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट से तो क्या प्रोडक्ट बनता है? तो प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज एन अल्कलाइन अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन है जो अल्कलाइन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमोनिया। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।